that's large. World. Now, see, the next topic is fusion and fusion. So, अभी अभी हम बोल रहे थे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है. न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीक होता है दैट इज डेंजरस. न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, हम लोग यूरेनियम न्यूक्लियस लेते हैं और उसमें हम लोग बाहर से एक न्यूट्रॉन थ्रो करते हैं. क्या थ्रो करते हैं यार? न्यूट्रॉन. वत्सल, एक यूरेनियम न्यूक्लियस को बाहर से न्यूट्रॉन थ्रो करते हैं, तब जब जाके वो कोलाइड करता है, जाके जब वो कोलाइड करता है, कोलाइड करने से क्या होता है, कोलाइड करने से इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड थ्री मोर न्यूट्रॉन्स. इससे वो हाँ क्या बनता है? तो ये जो एनर्जी बनता है, दिस एनर्जी इज क्रिएटेड एट द कॉस्ट ऑफ मास. आइंस्टाइन वॉज द पर्सन टू मेक आउट द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी. मास एनर्जी रिलेशन वही है ना. सो मास एनर्जी रिलेशन क्या बताता है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा घट जाता है. क्यों घट जाता है? क्योंकि वो जितना घटता है उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से बनता है. सो ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. अमन बोला तो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. वो कितना होता है? 3 to 10 to the power 8. बस याद कर. सो अब देखो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है अगर वन यूनिट ऑफ मास लॉस हुआ. सो 1 kg ऑफ मास इज विल प्रोड्यूस अगर हम लोग 1 × c² करते हैं 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर. सो दैट प्रोड्यूसेस 9 × 10⁙ जूल्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, दैट्स अ ह्यूज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. और तुमको मालूम है 1 AU क्या होता है? 1 AU इज द मास ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास राइट. 1 AU ऑफ मास 1.24 1 AU ऑफ मास को अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो इट विल प्रोड्यूस कितना? इट विल प्रोड्यूस 1.6 × 10⁻³⁰ सॉरी 1.49 × 10⁻¹⁰ जूल्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, आई नो दैट अफेक्ट्स मी बट वेरी लिटिल, बट जब इसको हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं इट कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. पावर एनर्जी का वोल्ट. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, 1 MeV इज 1 MeV इज 1.6 × 10⁻³⁰ जूल्स. 1.6 × 10⁻³⁰ जूल्स इतना एनर्जी प्रोड्यूस. ठीक है, अब तुम बोल रहे थे न्यूक्लियर फिशन क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स. स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियर फिशन में द मोस्ट जनरल यूज इज 235 1 kg ऑफ मास विल प्रोड्यूस इतना एनर्जी. इतना एनर्जी. इतना एनर्जी. ओके, नाउ सी, तुम बोल रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? सो न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन में 235 यूरेनियम 92 यूरेनियम होता है. इसको हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं. मतलब न्यूट्रॉन उसको जैसे हम लोग एक बॉल लेके एक जगह मारते हैं वैसे. लेकिन वो हाथ से नहीं करते ऑब्वियसली. न्यूट्रॉन को अगर यूरेनियम के पास छोड़ दिया जाता है तो वो यूरेनियम के साथ कोलाइड करता है और इसको तोड़ता है बेरियम और क्रिप्टन में. बेरियम इज 56-144 एंड क्रिप्टन इज 36-89 और इसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है? इसके साथ प्रोड्यूस होता है 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा. 3 हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट नहीं, प्लस एनर्जी. प्लस एनर्जी. अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनो. ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूसेस अबाउट 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. इट प्रोड्यूसेस अबाउट
190 MeV ऑफ एनर्जी, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एक न्यूक्लियस, एक यूरेनियम एटम, बहुत कम है जो हाँ ये एक यूरेनियम एटम है ना, तो वो भी तो बहुत कम है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, क्या होता है न्यूक्लियर फिशन में एक यूरेनियम, उसको एक न्यूट्रॉन चाहिए होता है टूटने के लिए, टूट के वो क्या बनता है बेरियम बनता है और क्रिप्टन बनता है और उसके साथ तीन न्यूट्रॉन। अब क्या होता है देखो, इट क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन, क्या है एक यूरेनियम से, एक यूरेनियम को हम लोग न्यूट्रॉन से धक्का दिया तो ये क्या क्या तीन ठो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया। अब ये तीन ठो न्यूट्रॉन क्या करेगा, तीन ठो यूरेनियम को धक्का मारेगा और उसमें से एक एक में से तीन तीन निकलेगा। अरे रेडी में मतलब सुनो देखो, यहां पर कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है इसमें से, वो कितना यूरेनियम एटम से निकल रहा है, एक यूरेनियम एटम से। तो अगर एक यूरेनियम एटम से तीन न्यूट्रॉन निकला, वो तीन अलग अलग यूरेनियम एटम को जाके कोलाइड करेगा तो उसमें से 3 3 9 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद वाला 27। सो ये जीपी में बढ़ता जाएगा। दिस इज व्हाई इट प्रोड्यूसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। That is exactly what we use in a nuclear weapon. Nuclear bomb में यही concept use किया जाता है। सर वहाँ पे एक atom नहीं, बहुत सारा atom। Obviously बहुत सारा atom रहेगा, ठीक है? Now if you want to make out कि एक gram uranium में कितना energy produce होगा? 1 gram of 235 uranium 92 will produce about 2.1 × 10⁴ kilowatt of electricity. किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है बोलो तो भाई, 2.1 × 10⁴ किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, 21000 किलोवाट आवर, यू नो किलोवाट आवर इज वन यूनिट, मतलब 21000 किलोवाट आवर का मतलब है हम लोगों का नॉर्मल जो हम लोग एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वहां पर मान लो मैक्सिमम 20-30 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं मंथली। मंथली कितना कंज्यूम करते हैं, 20-30 यूनिट्स मंथली। घर में कितना आता है, 11 वोल्ट, नहीं वो तो 220 वोल्ट नहीं, वो तो ये तुमको कहां मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल में मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी यश, इलेक्ट्रिसिटी का बिल में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल में देखते हैं एक जगह में लिखा हुआ होता है यूनिट, क्या लिखा हुआ होता है मतलब कितना यूनिट कंज्यूम कर हम, वो एक यूनिट है 1 किलोवाट। एक ग्राम यूरेनियम से 21,000 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, समझ रहा है? सो दैट इज वाई दिस न्यूक्लियर फिशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इज ऑल्सो सस्टेनेबल। बट हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ऑब्वियसली खत्म हो सकता है। जो रिन्यूएबल है वो है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज रिन्यूएबल, लेकिन वो अभी तक हम लोग टेम नहीं कर पाए। टेम नहीं कर पाए मतलब हम लोग कंटिन्यूअस सस्टेनेबल सोर्स क्रिएट नहीं कर पाए। सो अलकम टू इट, तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाते हैं लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है। सो न्यूक्लियर हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, कौन सा ट्रिगर है इसका, न्यूट्रॉन, राइट, न्यूट्रॉन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर ले, रिएक्शन स्टार्ट होते ही उसके अंदर से न्यूट्रॉन को हटा देते हैं, तब क्या होगा, न्यूट्रॉन घट जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा और हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे, समझा? सो न्यूक्लियर रिएक्टर में यही काम किया जाता है। राइट, तो दो तरीका यूज है, डिस्ट्रक्टिव यूज एंड कंस्ट्रक्टिव यूज। कंट्रोल्ड होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा और अनकंट्रोल्ड होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, समझ में? अच्छा, द लास्ट थिंग इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कहां होता है, सन में होता है, सन कहां पर होता है, राइट, सन के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन गैस कंबाइंस टू प्रोड्यूस, साइंटिस्ट डिफरेंट वेज है पता करने के लिए। सो वहां पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ के क्या बनते हैं, हीलियम बनते हैं, ठीक है? सो दिस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग इज कॉल्ड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग, कभी खत्म ही नहीं होगा, राइट, न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनता है, जैसे देखो 1H2+1H2 फॉर्म्स 2HE3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.3 MeV ऑफ एनर्जी. फ्यूजन में इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, फ्यूजन में इट प्रोड्यूसेस अ ह्यूज लॉट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज हाउ सन प्रोड्यूसेस द नॉन स्टॉप सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके अंदर नॉन स्टॉप फ्यूजन होते जा रहा है और वो नहीं फोर नहीं होगा, देखो यहां वन आ गया ना 3+1 समझा. सो इसलिए क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस फ्यूजन प्रोड्यूसेस अ नॉन स्टॉप सोर्स ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस अ ह्यूज लॉट ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर? प्रॉब्लम ये है कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, फिशन रिएक्शन में उतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है, इसलिए वी कैन क्रिएट अ फिशन रिएक्शन वेरी इजी. सर पर साइन का एनर्जी से तो बना सकते हैं. राइट, तो उससे फ्यूजन उसके अंदर कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उतना एनर्जी यहां पर अर्थ के ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. दैट इज व्हाई वी स्टिल डोंट हैव अ फ्यूजन सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर फ्यूजन सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है ना, तो कोई भी मान लो अपना कार में एक फ्यूजन छोटा सा फ्यूजन रिएक्टर लगा लेगा, तो उसका कार एक फ्यूजन रिएक्टर से हजारों साल चलेगा. राइट, मतलब कार ही, हाँ कार का ही लाइफ खत्म हो जाएगा लेकिन फ्यूल खत्म नहीं होगा. समझ में आया? लगाना क्यों रिएक्टर? क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं है अभी तक. डू यू नो न्यूक्लियर सबमरीन्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है पूरा, मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो उसको कोई ऑयल नहीं चाहिए होता है, अपना सबमरीन चलाने के लिए ऑयल नहीं चाहिए होता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे उसका इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है और वो खुद फ्यूल के तौर पे उसको यूज करके अपना न्यूक्लियर सबमरीन. राइट, इसीलिए एक न्यूक्लियर सबमरीन कैन वर्क फॉर इयर्स अंडर वाटर, उसको बाहर वाटर के बाहर आने का जरूरत नहीं है. न्यूक्लियर नॉर्मल सबमरीन में फ्यूल यूज होता है. ओके, सो फिशन में फिशन और फ्यूजन का डिफरेंसेस ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आता है डिफरेंस बिटवीन नरक सबमरीन में जाने वाला था ना, मर गया सर. फिशन एंड फ्यूजन एक इम्प्लोशन के कारण बॉडी भी नहीं मिला.